फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। ताजर नीको बनकर तुम दाखिल होगे किले में, चंद सिपाही भी तुम्हारे साथ होंगे। एरिस से मुलाकात करके तुम पहले उसका एतमाद जीतोगे, लेकिन इस आग से अब आप कभी नहीं देख पाएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? उसे यकीनन किले पर हमले के बारे में मालूम हो गया होगा वालिदा। किले पर हमले से बचने के लिए ही उसने गुंदूस को अगवा किया है। मेरे बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे एरिस। मैं बाबा का बहादुर सिपाही हूँ, नहीं डरता किसी से। तुम और तुम्हारा बाप दोनों जानो में जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? बहुत कीमती है ये। जिस वक्त मैं एरिस को मसरूफ रखूंगा उस वक्त वो किले में मुख्तलिफ जगहों की छानबीन करेगा। वो अताक मैं अपने बेटे के साथ फतह करूंगा और फिर उस वक्त अर्तुरुल देखेगा कि उसके हुक्म की कोई औकात नहीं, यहाँ सिर्फ बहादुर सरदार का हुक्म चलता है। वो बहुत छोटा बच्चा है एरिस। मुझे परवाह नहीं, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। मेरा बेटा गुंदूस, मेरा गुंदूस जिसे मैंने 9 माह अपने कोख में पाला, वो गुंदूस जो मेरी गोद में खेला, वो गुंदूस जिसे मैंने झूले में झुलाया, वो गुंदूस जिसे हर वक्त अपने सीने से लगाया, वो गुंदूस हलीमा, तुम्हारा दिल एक माँ का दिल है। मैं चाहे कुछ भी कहूं, तुम्हारे दिल के जख्म को कभी नहीं भर सकता। लेकिन मुझ पे यकीन रखो, गुंदूस को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा मैं। ये स्याह रात भी गुजर जाएगी। मेरा गुंदूस, रहम करना भी हमारे लिए दुखों का ही सबब बना। और जरूर मैं शर्मिंदा हूं बहुत, हमारे बेटे की हिफाजत नहीं कर पाई मैं। हलीमा, तुम्हें खुद को इल्जाम देने की जरूरत नहीं। अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। हम किसी चीज को इल्जाम नहीं दे सकते। दुश्मन अपने जर्फ के मुताबिक हमला करेगा और हम अपने जर्फ के मुताबिक लड़ेंगे। अगर वो हमारे बच्चों के जरिए हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर हम भी उनसे भरपूर इंतकाम लेंगे। इंशाअल्लाह सिपाहियों को मिलने वाले निशानात गिरजा के ही होंगे। दुआ करना असलेहान। सलामती के साथ जाइए तुर्कुत, गिरजा को खैरियत से कबीले वापस लेकर आइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ओस, तुम्हें यहीं रुककर कबीले पर नजर रखनी है। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए तुर्कुत भाई।
सिपाहियों। आखिरकार तुर्गुत कबीले से चला गया सरदार, ज्यादा सिपाही नहीं है उसके साथ। संजार भाई उस पर आसानी से काबू पा लेंगे। तुर्गुत की गैर मौजूदगी में असलहान और उसके सिपाही बिल्कुल बेबस हो जाएंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। अब हमें मोहतात रहना होगा जब तक संजार के पास से कोई अच्छी खबर नहीं आ जाती। अगर तुम कुछ खाओगे नहीं तो मजबूत सिपाही कैसे बनोगे? मुझे मजबूत सिपाही बनने के लिए आपके खाने की जरूरत नहीं है। मैं वालिदा का खाना खा के मजबूत सिपाही बन चुका हूँ। क्या तुम यहाँ से निकलना नहीं चाहते? तो फिर तुम्हें मजबूत रहना चाहिए और मजबूत रहने के लिए खाना खाना पड़ेगा। मजबूत हूँ मैं बहुत, उसकी तो मैंने आंख फोड़ दी। देखना अब मैं दारियों से इंतकाम लूंगा। यकीनन इंतकाम लोगे तुम। उसके साथ बाबा ने हमदर्दी की और वो मुझे यहाँ लेके आ गया। मैं बिल्कुल रहम नहीं करूंगा उसके साथ अब। मगर रहम करना तो अच्छी बात है गुंदूस, और यही तो हमें अच्छा इंसान बनाता है। क्या आप रहम दिल है? हाँ बेटा बिल्कुल हूँ। तो फिर मुझे जाने दीजिए ना आप। तुम्हारे बाबा बहुत ताकतवर हैं गुंदूस, वो तुम्हें ले जाएंगे। अब जल्दी से तुम ये पी लो। तुम्हारे बाबा के यहाँ आने तक तुम्हें मजबूत रहना होगा, वो जरूर आएंगे। शाबाश। जनाब। क्या है? अफ्यून है जनाब, ये आपके दर्द को कम करेगी। ऐसे में तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं खुद को बेहिस और हरकत बना दूं? मैं जानता हूं आप बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन ये तकलीफ आपकी कुव्वत फैसला को मुतासिर करेगी, इसलिए आपके दर्द की शिद्दत को कम करने की जरूरत है। कोई भी शय मेरे लिए तुर्कों की मौजूदगी से ज्यादा तकलीफ दे नहीं हो सकती। अब यहां से दफा हो जाओ तुम फौरन। दरवाजा खोलो।
अर्तुरुल सरदार, आप यहाँ कैसे? जमींदार एरिस को बताओ कि मैं आया हूं, कुछ जरूरी बात करनी है उनसे। सिपाही, जमींदार एरिस को अर्तुरुल साहब के आने की खबर दो, जल्दी। जनाब अर्तुरुल साहब आए हैं। सिपाही भी हैं क्या उसके साथ? चंद सिपाही हैं। आने तो उन्हें। जैसा आपका हुक्म। तो तुम आ गए, तुम आ गए मेरे पास अर्तुरुल। हो सकता है वो आपसे हिसाब लेने आया हो, मुमकिन है, या मेरी मदद हासिल करने के लिए भी आ सकता है। दुर्गुद की जान बचाने में मैंने उसकी मदद की थी, हो सकता है अपने बेटे कुंतुस की जान बचाने में भी वो मेरी मदद मांगे। दुरुस्त कहा, हमने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा, उसका बेटा आपके पास है वो कभी नहीं जान सकता। सही, लेकिन उन्हें हम पर शक होगा, वो यकीनन कोई खेल खेलेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, उन्हें आगे पीछे घुमाता रहूंगा जब तक कि हम में से किसी एक कसर कलम नहीं हो जाता। तीतान, तुम भी चलो वहीं कोने में झुककर गुफ्तगू सुनना हमारी। तशरीफ लाए अर्तुरुल सरदार। अपने सिपाहियों को खबर कर दी थी काया तेकिन? कर दी थी सरदार, मैं उन सबको इकट्ठा करके हमले के लिए तैयार रखूंगा। और आप लोगों ने क्या किया, सिपाहियों से बात हो गई? जी हो गई सरदार, आप मुतमईन रहिए, जैसे ही हमला होगा वहां पर उस वक्त मौजूद सिपाही हमारी तरफ से लड़ेंगे। अच्छा है, अच्छा है। तुर्कुत कबीले से जा चुका है, संजारन करीब उसे अंजाम तक पहुंचा देगा। याद रखना, कबीले में किसी किस्म की खूनरेजी ना होने पाए। असलहान और तुर्गुत के अलावा किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता मैं, ये बात सबके जहन में रहे। जैसा आपका हुक्म सरदार। इस वाकये के होने के बाद अर्तुरुल सरदार हमसे पूछगछ करेंगे, हमें क्या करना होगा उस वक्त? परेशान ना हो अर्तुरुल, इसे माने या ना माने मेरी सरदारी को कबूल करना ही होगा, और फिर असलहान और तुर्कुत के मामले से निमटने के बाद वक्त आएगा अर्तुरुल का सर तन से जुदा करने का। इस तरफ जाना होगा हमें। आ जाओ सिपाहियों।
तुर्गुत हमारे जाल में फंस चुका है। वो निशानों का ताकुब कर रहा है। भूलना नहीं, ये हमारे लिए मौत की जंग है। चावदार के इत्तेहाद और सालमियत के लिए तुर्गुत का मरना बहुत जरूरी है। उसका सर उतारना मेरे लिए छोड़ दो। तुम लोग उस तरफ जाओ और तुम लोग उस तरफ, तुम मेरे साथ आओ। जैसे आपका हुक्म सरदार। देखते हैं इस बार तुम्हें कौन मेरे हाथों से बचाता है तुर्गुत साहब। खुशामदीद अर्तुरुल साहब। बहुत शुक्रिया जमींदार एरिस। आपको क्या हुआ? बदकिस्मती से एक हादसा। अगर आप दुश्मन को जान जाएं तो हमेशा आप गाजी बनकर लौटेंगे मेरे बेटे। आपको बस उसकी कमजोर जगह पर वार करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बसात ने उस खतरनाक देव की आंख पे वार किया था। अफसोस हुआ मुझे। आइए चले, तशरीफ रखिए। आपके आने का इल्म नहीं था मुझे, कहिए क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी। मेरा बेटा कुंदूस कबीले से अगवा हो गया है। कुंदूस अगवा हो गया, और वो भी कबीले से? कौन कर सकता है ऐसा करने की हिम्मत अर्तुरुल साहब? दारियुस नाम का एक यूनानी ताजर, लुटेरों ने उसे जख्मी कर दिया था। हमने उससे हमदर्दी की और जख्मों का इलाज किया। मेहमान रखा कबीले में और उसने मेरे बेटे को अगवा कर लिया। आपने कहा यूनानी ताजर? मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ अर्तुरुल साहब, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उसने यकीनन गुलामों के बाजार में बेचने के लिए उसे अगवा किया होगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि उसने क्यों अगवा किया उसे, लेकिन जितना जल्द हो सके मुझे अपने बेटे को बचाना है। वैसे भी मैं पहले ही आपका एहसानमंद हूं तुर्गुत और असलहान खातून की जान बचाने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं अर्तुरुल साहब, हम आखिर तजारती मामलात में एक दूसरे के मसाहिब हैं। आपको यकीन दिलाता हूं इस मामले में मुझसे जो हो सका वो मैं करूंगा। मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूं एरिस। तुम यूनानी ताजरों को बखूबी जानते हो, वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, तुमसे ज्यादा इस बारे में किसी को भी मालूम नहीं हो सकती। मैं बखुशी आपकी मदद करूंगा अर्तुरुल साहब। मुहाफिज। अपने आदमियों को अतराफ में भेजो, जो भी ताजर नजर आए उससे पूछगछ करो। उनसे कहना अर्तुरुल साहब का बेटा गुंदुस जिसके भी पास है वो पेश करे। अगर ऐसा ना हुआ तो उनके सर कलम कर दूंगा मैं। जैसा आपका हुक्म जनाब। अंदर आ सकता हूं मैं असलहान खातून? आ जाओ। उम्मीद है खैर की खबर लाए होगे। बिल्कुल खैरियत की खबर नहीं है असलहान खातून। क्या खबर है बताओ मुझे। अर्तुरुल सरदार का बेटा गुंदू से अगवा हो गया है। क्या कहा, किसने किया है, कौन कर सकता है? एक जख्मी यूनानी ताजिर था जिसकी मदद की थी उन्होंने। अर्तुरुल सरदार उसकी तलाश में है। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। मेरे अल्लाह हमें अपनी हिफाजत में रखना। ओस, तमाम मोजज़ीन को यहां बुलाकर लाओ। जैसा आपका हुक्म असलहान खातून। मुहाफिज़ो। सिपाहियों,
घोड़े यहीं बांध दो। मौसम का अचानक बदल जाना अच्छी अलामत नहीं है, मोहतात रहना। इसे यहां किसी ने जानबूझ के रखा है। सिपाहियों एक जाल है। अगर अपने सिपाहियों को खोना नहीं चाहते तो हथियार डाल दो तुर्को साहब। अगर जरा भी हिम्मत होती तुम लोगों में तो मेरे सामने इस तरह चेहरे छुपाकर नहीं आते। गिरजा कहां है? इस तरह कब तक परेशान होंगे? थोड़ा आराम कर लीजिए। अभी आराम का वक्त नहीं है। संजार की खबर आते ही हमें हरकत में आना होगा। तुम मेरी जिरह और हथियार तैयार रखो। तैयार है साहब। अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ अंदर। सरदार, हमारे सब सिपाही तैयार हैं। हम आपका हुक्म मिलते ही चारों तरफ से कबीले पर हमला कर सकते हैं। आला, लेकिन पहले तुर्गुत की मौत की खबर आ जाए। जल्दी करो संजार, जल्दी। मुझे परवाह नहीं कि तुम तुर्गुत की मौत की खबर लेकर आते हो मेरे पास या फिर उसका सर लेकर आते हो। चाहे कुछ भी हो, तुम फौरन पहुंच जाओ यहां ताकि हम इस औताक पर गलबा हासिल कर सकें। ठीक तो हो भाई? मैं ठीक हूं तुर्गुत भाई। फौरन कबीले चलना होगा हमें, हो सकता है दोबारा हमला कर दें। चलो आप मुझे छोड़ें और कबीले लौट जाएं तुर्गुत भाई। हरगिज नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हें यहां तन्हा नहीं छोड़ सकता। चलो
जैसा मैंने कहा अर्तुल साहब, मैं आपकी इस मामले में भरपूर मदद करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपके बेटे कुंदुस को कुछ होने से पहले हम ढूंढ सके। मैं जानता था कि तुम पर एतमाद कर सकता हूं। ये मेरे लिए एजाज की बात है अर्तुल साहब। मैं चाहता हूं कि आपका ये एतमाद मुझ पर और भी बढ़ जाए। मुझे यकीन है दोस्ती और अमन हमें और भी करीब ला सकता है अर्तुल साहब। और ये कैसे मुमकिन होगा? तिजारत से। वो कैसे? हानली बाजार में हमारी शराकत दारी कायम करके। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। देखिए अर्तुल सरदार, नीकिया से मैंने एक माहिर ताजिर बुलवाया है, नाम है निको। उसकी वजह से फ्रांसीसी और यूनानी ताजिर बाजार पे झपट पड़ेंगे, हम दोनों खूब कमाएंगे। लेकिन ये सब करने के लिए आपको बाजार में मुझे कुछ इख्तियार देने की जरूरत होगी। मेरे ख्याल से मेरे एहसानात के एवज आपको इस पेशकश पे गौर करना चाहिए। यकीनन तुम्हारी दरखास्त माकूल है, लेकिन पहले अपने बेटे गुंदूस को तलाश करना है मुझे, उसके बाद बात करेंगे हम इस मौजू पर। तो फिर मैं जाने से पहले आपको ताजर नीको से मुतारिफ करवा देता हूं। नीको को बुलाओ यहां। आपने हमें क्यों बुलाया असलियान खातून? उम्मीद है सब खैरियत होगी। मोअज़्ज़िन और तमाम सिपाही, किरजा के गायब हो जाने के बाद हमने कबीले में हिफाजती तदाबीर बढ़ा दी हैं, ये मालूम है आपको। इन इकदामात को मजीद बढ़ाने का वक्त आ गया है। जिरगा बुलाने का यही मकसद है। लेकिन इसकी वजह क्या है असलियान खातून? काई कबीले से खबर आई है, अर्तुल साहब का बेटा गुंदूस अगवा हो गया है। ऐसा कौन कर सकता है? और ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो कौन उसे छोड़ेंगे नहीं? किससे क्या होगा? तो बहुत बुरी खबर है। बड़ी अजीब बात है। अर्तुल साहब के बेटे को अगवा करने वाला कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें पहले से भी ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। हम काई कबीले के इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ देना चाहिए। सिपाहियों, मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दो कबीले में, हर वक्त पहरे पर मामूर रहेंगे सिपाही। मोअज़्ज़िन, आप भी हर वक्त अपनी आंखें खुली रखिएगा। हम सबके साथ दुश्मन छुप कर कोई खेल खेल रहा है और पीछे से सैलाब की तरह हमारी तरफ बढ़ रहा है। हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सैलाब का सामना करने की जरूरत है। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ अंदर। संजार की तरफ से खबर आई? नहीं सरदार, उनकी तरफ से कोई खबर नहीं, लेकिन एक दूसरी खबर आई है। क्या हुआ है? असलियान खातून ने कबीले की हिफाजत को दुगना कर दिया है, सरदारों और सिपाहियों को हिदायत देने के लिए इकट्ठा किया है। या अल्लाह, कहीं उसे मेरे हमले के बारे में शुबा तो नहीं हो गया? आ संचार, क्या अब तक तुर्गुत का सर कलम नहीं किया तुमने? एक खबर और है आपके लिए सरदार, अर्तुल साहब का बेटा गुंदूस अगवा हो गया है। ये क्या कह रहे हो तुम काय तेकिन? अर्तुल का बेटा गुंदूस अगवा हो गया है? कौन कर सकता है ये काम? कुछ मालूम नहीं। असलिहान खातून ने इसीलिए हिफाजती इकदाम बढ़ा दिए। अर्तुल का जहन माउफ हो गया होगा अपने बेटे के अगवा हो जाने की वजह से। एक बार तुर्गुत का सर हमारे हाथ आ जाए तो फिर हमारा ही राज होगा। जल्दी संचार, जल्दी जल्दी। आह निको, अर्तुल सरदार से मिलो।
ये सलजूक सल्तनत के सरदार आला भी हैं और साथ ही साथ हानली बाजार के मालिक भी। मुझे उम्मीद है हम हानली बाजार में साथ मिलकर काम करेंगे। खुशी हुई मिलकर अर्तुरुल साहब। मुझे भी निको। जैसा कि जमींदार एरिस ने कहा कि हम हानली बाजार में मिलकर काम करेंगे, इत्मीनान रखिए अर्तुरुल साहब, सोच से भी ज्यादा माल कमाएंगे हम। देखते हैं वक्त हमें क्या दिखाता है निको। वक्त आने पर हम इस मौजू पर दोबारा मुशावरत करेंगे। अब इजाजत चाहूंगा आपसे जमींदार एरिस। मैं आपकी तरफ से इस मामले की खबर का मुंतजर रहूंगा अर्तुरुल साहब। मैं गुंदूस के बारे में आपकी तरफ से खबर का मुंतजर हूं। अर्तुरुल साहब, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम इस पर काम शुरू कर दो निको। मुश्किल काम मैंने कर दिया है, बाकी मामला तुम्हारी महारत के साथ हल करेंगे। हस्बे हाल सारी तैयारियां मुकम्मल कर लो तुम। जैसा आप कहें। अर्तुरुल यकीनन कोई खेल खेल रहा है। मैं जानता हूं तीतान, लेकिन ये खेल एकतरफा नहीं है। मैं भी उसके साथ खेल रहा हूं और इस खेल की बाजी जीत कर दिखाऊंगा मैं उसे। कोई खबर नहीं आई अब तक। मुझे डर है कहीं कुछ बुरा ना हो गया हो साहब। खातून, बदफाल जबान से मत निकालो। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ काया तेकिन। सरदार, तुर्गुत, तुर्गुत कबीले की तरफ आ रहा है। या मेरे अल्लाह, ये क्या कह रहे हो तुम? संचार, तुम यहीं रुकना। अरे तुर्गुत साला अकेले क्यों आ रहे हैं? बाकी सिपाही कहां है? क्या हुआ इनके साथ? अल्लाह रहम करे। तुर्गुत भाई आप अकेले क्यों आ रहे हैं? बाकी सिपाही कहां है? सिपाही कहां है? खुदा के लिए ये हमें जवाब नहीं देते। आप अकेले क्यों आ रहे हैं? आपके साथ खुदा के लिए बताइए ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? बताइए हमें तुर्गुत भाई। सिपाहियों के साथ क्या हुआ है बताइए देते हैं। खुदा ही आपको बताना होगा। हमारे साथ सिपाही कहां गए? कहां गए हमारे जवान? सिपाही देते हैं ये सिपाही आपके साथ। सिपाहियों ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? बताइए हमें तुर्गुत भाई। बताइए आप जवाब क्यों नहीं देते? क्या हुआ है तुर्गुत सिपा सलार? क्या किर्चा मिल गया है आपको? क्या हुआ है हमारे सिपाहियों के साथ? हमें बताइए ये सब किसने किया? हम लोगों पर हमला किया गया था। चेहरे छुपे हुए थे उनके, लेकिन इसका इंतकाम लिया जाएगा उनसे। इसे जल्दी शिफाखाने लेकर जाओ। संचार, कायतेकिन। हुकुम सरदार।
तुम फौरन संजार के पास जाओ, मालूम करो कि वो किस हाल में है। जैसा आपका हुक्म सरदार। तुर्गुत, तुर्गुत, अगर तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा किया होगा तो कसम खाता हूं कि यह औताक चलाकर राख कर दूंगा। कबीले के लोगों के सामने तुम्हारा सर कलम कर दूंगा मैं। क्या हुआ तुर्गुत, बाकी सिपाही कहां है? हमला हुआ था हम पर। या मेरे रब, किसने किया आप लोगों पर हमला? नहीं मालूम, लुटेरों के भेस में थे और चेहरे भी छुपे हुए थे। पहले गिरजा और अब यह हमला, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि यह सब क्या हो रहा है। जो कोई भी इस हमले के पीछे मौजूद है वो ये जानता था कि मैं वहां जाऊंगा। बहादुर पर शुबा है मुझे। हो सकता है कि बहादुर इसमें मुलव्वस ही ना हो। तुर्गुत का एक कबीले से खबर आई थी, अर्तुरुल साहब का बेटा गुंदूस। क्या हुआ गुंदूस को? गुंदूस को अगवा कर लिया है किसी ने। किसने, किसने अगवा किया है गुंदूस को? मेरे जहन में एक ही आदमी का नाम है। जमींदार एरिस। हो सकता है आप पर हमला करने वाला जमींदार एरिस ही हो। आपको अर्तुरुल साहब के साथ होना चाहिए, उन्हें आपकी जरूरत है। यहाँ की फिक्र मत कीजिए, मैंने हिफाजती इकदाम बढ़ा दिए हैं, यहाँ कोई मसला नहीं होगा। जाना तो चाहता हूं मैं, लेकिन यहां भी खतरा मौजूद है। अगर मैं अभी यहां से चला गया तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं। मेरा यहीं रुकना मुनासिब रहेगा। अर्तुरुल भाई, गुंदूस को जरूर बचा लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। गुंदूस किले में बिल्कुल महफूज है, उसे जहां रखा गया है वो जगह भी जल्द ढूंढ लूंगा। खाली दुकान में आप मेरा इंतजार कीजिए। गुंदूस किले में ही है। ये खाली दुकान कहाँ है? मैं आपको वहां ले चलूंगा भाई। अभी नहीं, पहले उन्हें यकीन हो जाने दो कि हम किले से निकल गए, उसके बाद हम भेस बदल कर वापस आएंगे। चलते हैं अब। बिस्मिल्लाह।
मेरा बहादुर बेटा घोड़े पर सवार होकर शिकार पर जाता, अपनी तलवार से जुल्म के खिलाफ जंग करता। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा हलीमा खातून, आप पर सुकून हो जाए। ये दुख मुझे खा जाएगा, बस वो आ जाए मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगी उस पर। हर तरफ मुझे कुंदूस नजर आता है अफसा, किस हाल में होगा मेरा कुंदूस, उसके बगैर नहीं रह सकती मैं। हलीमा खातून आपको सब्र करना होगा, देख लीजिएगा अर्तुरुल भाई कुंदूस को जल्द वापस लेकर आ जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या बात की थी सिपाहियों से, क्या जानती हो, सब बताओ मुझे। अर्तुरुल सरदार, मेरा बेटा कहाँ है मारिया? अर्तुरुल, इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, अब चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अर्तुरुल, अगर किले से बाहर निकल गया तो जीत उसकी होगी, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। फौरन दरवाजे पर जाओ और उन्हें फरार ना होने देना।